तो हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे। वरसाद ने लईने आगामी 3 कलाक भारे रहेशे, जेमां अलग अलग विस्तार में वरसाद वरसे। गुजरात में भावनगर, भरूच, वडोदरा, आणंद में वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। साथ ज अमदावाद और गांधीनगर की बात करें तो त्यां पण मध्यम थी भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। तो हाल आपणे वात करीए तो अमदावाद में पण कराड़ी बांग वादळों से घेरायेला छे अने तेनी साथे वरसादनी शुरुआत पण थई छे। पूर्व विस्तारना घणा बधा विस्तार के ज्यां भारे वरसाद थयो छे। असवाय वात करीए अमदावादना अलग अलग विस्तारोनी, जेमां शाहीबाग, असारवा, सरदारनगर अने एसजी हाईवे विस्तार में भारे एवो वरसाद छे ते हाल वरसी रह्यो छे। आगामी 3 कलाक भारे वरसाद छे ते वरसी शके छे। काळा डिबांग वादळोनी साथे भारे वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे। વાત કરીએ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની તો ત્યાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। વરસાદ છે તે ત્યાં પડી શકે છે તેવું હાલ હવામાન વિભાગ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। આ આગાહી કરવામાં આવી છે આગામી 3 કલાક જે ભારે રહેશે વરસાદને લઈને, તો આગાહી જે કરવામાં આવી છે તેને લઈને જે ભાવનગર, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ છે ત્યાં આગામી 3 કલાક સુધી ભારે વરસાદની આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે। तो वरसाद ने कारण जी रीते बात करिए तो हाल अमदावाद से अत्यारे मेघराजा मेहरबान थे। अमदावाद में खड़ा डिबांग वादळों से घेराया है। गांधीनगर की बात करिए तो त्यां अत्यारे वरसाद की स्थिति बनी रही है अने आगाही करवामां आवी छे। गांधीनगर में मध्यम थी भारे वरसाद की आगाही। गुजरात में बारिश रहेगा लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस में मोस्टली रहेगा। आज और कल थोड़ा बारिश ज़्यादा हो सकता है, जैसे मोस्टली आज मेनी प्लेसेस में गुजरात रीजन में भी, सौराष्ट्र कच्छ में भी मेनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। कहीं एक आध जगह में हेवी रेन भी हो सकती है। और कल के लिए साउथ गुजरात में मोस्टली रेन रहेगा और एक आध जगह में हेवी भी रूल्ड आउट नहीं है, हो सकता है। आज के तारीख में बारिश ज़्यादा रहेगा जिसे दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, इवन आपका खेड़ा में भी हो सकता है और अहमदाबाद, साउथ अहमदाबाद में भी हो सकता है और भावनगर, बोटाड में हो सकता है। सौराष्ट्र में भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हेवी रेन भी होने का संभावना है। कल सामान्य बारिश की आ गई थी और आज भारी बारिश। हाँ, अभी एक्चुअली एक सिस्टम बन गया है इंसीटू, कच्छ का ऊपर एक सर्कुलेशन बना है और साउथ इंडिया, सर्दर्न इंडिया में भी सिस्टम है जिसकी वजह से उसका आउटफ्लो हमारा साउथ गुजरात, गुजरात रीजन तक आ रहा है। वो दो कारण की वजह से गुजरात में बारिश हो रहा है। और भी एक सिस्टम है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उसका ट्रफिंग भी पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान तक आ रहा है। वो सारे 2-3 छोटे छोटे सिस्टम है लेकिन उसका इम्पैक्ट में गुजरात को हेवी रेन दे रहा है। अभी मोस्टली आज ही रहेगा, कल रहना नहीं चाहिए। कल हो सकता है कि साउथ गुजरात में एक आध डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जैसे डांग, तापी और नर्मदा, ये डिस्ट्रिक्ट में। अगर अहमदाबाद और गांधीनगर की बात करें तो कितने घंटे में बारिश कैसी हो सकती है? अहमदाबाद, गांधीनगर में जो रेन रहेगा मोस्टली आज ही रहेगा। आज गांधीनगर में भी मॉडरेट रेन हो सकता है और अहमदाबाद में भी मॉडरेट रेन रहेगा और हेवी रेन का भी रूल्ड आउट नहीं है। मॉडरेट से हेवी हो सकती है, ना भी हो सकते हैं लेकिन मॉडरेट रेन पक्का रहेगा। मैडम बारिश जो एटमॉस्फियर है वो 3-4 घंटे रहेगा या शाम तक रहेगा? बारिश की सीजन की ये आखिरी राउंड माना जा सकता है? नहीं, हम ऐसे नहीं मान सकते क्योंकि हमारा नॉर्मल विड्रॉल डेट है 15 सितंबर। 15 सितंबर अभी भी टाइम बाकी है। हम ऐसे बोल नहीं सकते कि अभी ये आखिरी राउंड है, अभी आगे भी बन सकती है। जैसे आज बना है, इन सीटू सिस्टम बन गया है, इसीलिए अभी बोल नहीं सकते कि ये आखिरी है करके, अभी आखिरी नहीं हो। आगामी 3 કલાક જે રીતે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, ભાવનગર, અલગ અલગ જે વિસ્તાર છે, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદમાં અને સાથે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી છે તે સાંજ સુધી વરસાદી સિસ્ટમ છે તે સક્રિય રહેશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરાઈ છે। વાત કરીશું અમદાવાદની, અમદાવાદના વાતાવરણમાં પણ અચાનક